हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पैडागोजी के चैप्टर में। इससे पहले मैं आपको बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन के बारे में बता चुका था, गांधी जी ने जो दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में काफी प्रकार के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शिक्षण सूत्र यानी कि टीचिंग मैक्सिमम्स के बारे में। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कई बार बच्चों ने मुझे कमेंट बोर्ड के भी कराया कि सर ये मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है। ओके, तो के बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण सूत्र आखिर होता क्या है। तो देखो, एक अध्यापक शिक्षक किसी भी पाठ को शुरू करता है या पाठ की किसी भी बात की शुरुआत किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से सिखाता हुआ आगे बढ़ता है, इसी को क्या कहा जाता है, शिक्षण सूत्र। मतलब प्लानिंग जो करता है कि आपका अध्यापक आपको किस प्रकार से पढ़ेगा या पढ़ाएगा या किस प्रकार से आपको सिखाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको 8 प्रकार के बताऊंगा यानी कि विवरण शिक्षण सूत्र कौन कौन से। तो पहला पढ़ लेते हैं हम आपका सुगम पाठों से कठिन पाठों की ओर। तो देखने से पता लग जाता है कि इसमें क्या बोल रखा है, सुगम मतलब सरल पाठ, यानी कि सरल पाठ को आप पहले करवाएगा आपका टीचर आपको, और कठिन पाठ उसके बाद में। मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले अध्यापक निश्चित करे कि वह सबसे पहले सुगम यानी कि आसान पाठों से शुरू करें और फिर कठिन पाठों की ओर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका 1 अप्रैल से आपकी पढ़ाई शुरू होती है साल में, तो 1 अप्रैल से आपका जो अजय आप टीचर बन जाओ, तो आपकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, क्लासेस कब से शुरू होती है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आप शिक्षक के नाते पहले ही आप अपना प्लान कर लोगे कि आप पहले सरल लैंग्वेज बच्चों को या सरल भाषा या सरल चैप्टर जो होगा वो आप पहले बच्चों को करवाओगे और धीरे धीरे हम क्या कह जाएंगे, कठिन पाठों की ओर जाएंगे। उसी को क्या कहा जाता है, सुगम पाठों से कठिन पाठों की ओर। ओके, सेकंड बोल रखा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये क्या है, तो ध्यान रखिए, ज्ञात का कहने का तात्पर्य मतलब है नोन और अज्ञात का मतलब होता है इंग्लिश में अननोन। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों को पूर्व ज्ञान यानी कि जो आपका ज्ञात होता है वो ज्ञात का क्या कह सकते हो आप, तो ज्ञात का अर्थ होता है आपका बच्चे के पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव जो होता है, जो बच्चे के पास ऑलरेडी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञात कहते हैं। तो बच्चे को पूर्व ज्ञान से पाठ को शुरू करना चाहिए और फिर नए ज्ञान जो कि बच्चे के लिए अज्ञात होता है उसके बाद सिखाना चाहिए। मतलब पहले बच्चों को अगर प्लस माइनस आता है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाइए उसको। ओके, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अगर आपको बच्चे को प्लस माइनस आता ही नहीं है तो आप उसे मल्टीप्लाई सिखाओगे तो बच्चा सीख पाएगा, तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे को अगर पहले प्लस माइनस आता है मतलब उसके लिए ज्ञात क्या है, प्लस माइनस, तो एक बार उसकी प्रैक्टिस करवाइए और फिर उसको अज्ञात यानी कि मल्टीप्लाई की तरफ लेके जाइए, और जब उसे मल्टीप्लाई आ जाता है तो डिवाइड की तरफ लेके जाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अज्ञात या नई विषय वस्तु के सरल भाग पहले और जटिल भाग को बाद में करवाना चाहिए। यानी कि जो भी आप विषय वस्तु या जो भी काम करवा रहे हो उसमें जो भी आपका सरल पार्ट होगा यानी कि आसान पार्ट होगा, उस बच्चे को पहले आप उसे वो करवाओगे और धीरे धीरे आप किस तरफ ले जाओगे, जटिल यानी कि कठिनाई की ओर लेके चलोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये काफी बार पूछा जा चुका है और ध्यान रखिएगा होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष का अर्थ है बच्चे के आसपास के वातावरण में या वातावरण में मौजूद अधिगम पहले और बाद में बच्चे के वातावरण की दूर की बातें बताना। मतलब आपके आसपास का जो वातावरण होगा उस आसपास के वातावरण से रिलेटेड आपको पहले क्या कराना पड़ेगा, बच्चे को उसी प्रकार की चीजें सिखानी पड़ेंगी। मतलब जिस प्रकार की चीजें वो आसपास से मुहैया कर सके और आराम से सीख सके, और बाद में हम किस तरफ को लेके चलेंगे, उसको दूर की चीजें जो कि आपके दूर इलाकों में पाई जाती है, दूर इलाकों से आती है, उसकी ओर शिक्षा की ओर लेके चलेंगे। ओके, तो अब क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा जिसका रूप या कोई आकार या फिर जिसे हम देख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, मूर्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी इंसान को देखते हो तो क्या हो गया, मूर्त। आप उसकी अंतरात्मा या आत्मा को नहीं देख सकते ना,
वो क्या हो गया, अमूर्त। फॉर एग्जाम्पल, आप हवा को महसूस कर सकते हो, आप यानी कि फील कर सकते हो, लेकिन उसको देख सकते हो नहीं, तो क्या हो गया, अमूर्त होगी। तो वो चीजें हमें पहले बच्चों को सिखानी चाहिए जो कि मूर्त रूप में होती है, यानी कि दिखावटी रूप में होती है, जिसका कोई आकार होता है जिसे हम देख सकते हैं। और फिर कैसे ले जाना चाहिए, अमूर्त की ओर लेके जाना चाहिए। यदि बच्चे को हम आत्मा की शिक्षा देने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल अपने शरीर के अंदर स्केलेटन होता है, अब स्केलेटन के लिए या तो मरा हुआ शरीर यानी कि मुर्दा शरीर चाहिए, नहीं तो आप अपने शरीर के अंदर उसे घुसा के कैसे दिखा सकते हो। ओके, तो बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते हैं वो चीजें। तो पहले बच्चे को हमें वो शिक्षा देनी चाहिए जो मूर्त रूप से देखी जा सकती हो या दिखी जा सकती हो, उसके बाद में हम अमूर्त की ओर लेके चलेंगे। इसी के ऊपर एक कहावत होती है, पहले दिखाओ फिर बताओ। क्या होता है, पहले दिखाओ फिर बताओ। ओके, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी में मैंने आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया था, यहाँ पर क्या है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सरल लैंग्वेज में आप समझो तो विशिष्ट का मतलब होता है एक छोटा हिस्सा, और सामान्य का हिस्सा होता है पूरा बड़ा हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, एक सरल भाषा में बोलूं तो विशिष्ट का मतलब हो गया आपके पूरे बुक का एक पार्ट, और सामान्य हो गया आपका पूरी की पूरी बुक। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले बच्चे को पाठ पढ़ाना चाहिए और फिर पूरी बुक पढ़ानी चाहिए। मतलब धीरे धीरे पाठ पढ़ाते पढ़ाते करोगे तभी तो आप पूरी बुक खत्म कर पाओगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यह सूत्र एक तरह का कैसा सूत्र है, आगमन विधि वाला सूत्र है। ओके, यह सूत्र उन पाठों में प्रयोग होता है जिसमें कोई नियम या सूत्र या सिद्धांत दिया गया हो और उसका प्रयोग किया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चाहे आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इनमें सूत्र सिद्धांत और आपके सारे के सारी चीजें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं। तो उन चीजों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने आपको नीचे लिख दिया, यह सूत्र विज्ञान, गणित और व्याकरण सिखाने में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे सिद्धांत बेस होते हैं, नियम बेस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं, प्रयोग पर सारे के सारे बेस होते हैं, प्रयोग से हम इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, इस सूत्र के अनुसार अध्यापक बच्चों को स्वयं पाठ के नियम, सूत्र या सिद्धांत नहीं बताता है। ध्यान रखिएगा, नहीं बताता है, बल्कि वह या तो उदाहरण देकर या किसी क्रिया को बार बार करवाकर बच्चों से ही नियम या सिद्धांत या सूत्र को निकलवा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को हमने ट्राइंगल दे दिया, वो भी कैसा, राइट एंगल। ओके, और इस राइट एंगल में हमने उसको बता दिया कि इसकी क्या साइड होगी, एक आपका 90 हो गया और दूसरा, सॉरी, आपका एक 30 हो गया और एक आपका कितना हो गया, 60, और एक कितना हो गया आपका, 90। तो वहां पर बाद में अपने आप ही बेस करके देखेगा, एक राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री हो जाते हैं। ये क्या होता है, आपका ट्राइंगल का बेस होता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, अपने आप ही सूत्र निकालने लग जाता है। बच्चे अंत में स्वयं उसके अंदर के सूत्र, नियम या सिद्धांत को निकाल लेते हैं बाद में, जब बच्चे को ये सारी चीजें सिखा दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका मूर्त से अमूर्त की भी बोल सकते हैं, और इसको एक और रूप से भी बोला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ओके, जैसे कि विशिष्ट का आधा अर्थ होता है आपका उदाहरण या क्रिया, यानी कि पहले हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उदाहरण करवाना चाहिए, क्रिया करवानी चाहिए, और फिर सामान्य की ओर, मतलब बच्चे के द्वारा निकाला गया नियम या सूत्र या सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहले बच्चे को उदाहरण देकर समझाना चाहिए और फिर बच्चे को नियम की ओर ले जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुभव से तर्क की ओर। अब ये अनुभव से तर्क की ओर क्या है, तो अध्यापक को पहले बच्चे के अनुभव को पूछना चाहिए और फिर अपने तर्क देना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास आप पढ़ा रहे हो ग्रामीण इलाके में। ओके, कहाँ पढ़ा रहे हो, ग्रामीण इलाके में पढ़ा रहे हो, और बच्चों को पंचायत के बारे में, या पंचायत उन्होंने देखी होगी अपने गांव में कभी ना कभी, तो क्या होगा, बच्चों को पंचायत का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। और किस्मत से आप उस दिन क्या पढ़ा रहे हो, ग्राम पंचायत का पाठ पढ़ा रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, तो पहले आप बच्चों के अनुभव, क्योंकि बच्चे ने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उसे सामने देखा है, कई बार एक गांव में लगी होंगी उसकी पंचायत, तो क्या करोगे, पहले आप बच्चों से उसके अनुभव पूछोगे उसके ग्राम पंचायत या पंचायत के बारे में, और फिर उसके तर्क, अपने तर्क के अनुसार बोल सकते हो कि ग्राम पंचायत कितने विषयों में काम करती है, 29 विषयों में। ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होते हैं, कितने पंच होते हैं, कितने सरपंच होते हैं, तो सरपंच 9 से 16 हो सकते हैं और पंच की संख्या 1 होती है। तो क्या हो सकता है, आपने यहां पर सारी की सारी चीजें आप बचा सकते हो कि बच्चा क्या क्या सीख सकता है उससे। ओके, तो पहले उसके अनुभव को हमें पूछना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर अपने बारे में उसको अपना तर्क या उसे पढ़ाना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर। अब ये मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर क्या है, तो ध्यान रखिएगा मनोवैज्ञानिकता का अर्थ है जैसे बच्चे को अच्छा लगे वहीं से कार्य शुरू करें। मतलब जैसे बच्चे को अच्छा लगे उसी प्रकार का कार्य करवाना चाहिए, और जिस प्रकार का बच्चे को कार्य अच्छा लगना चाहिए लगता है उस वहीं से आपको कार्य शुरू करना चाहिए। और यह सूत्र विकसित देशों में या हमारे देश के अच्छे स्कूल जो नामी गामी स्कूल्स होते हैं, महंगे स्कूल्स होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। नहीं तो अपने सरकारी स्कूल में कैसा चलता है, अधिकतर डंडा मारो पद नीति चलती है, आपको सभी को पता होगा। ओके, तो यह सूत्र कौन से स्कूलों में ज्यादा अपनाई जाती है, विकसित देशों में, और हमारे देश के अच्छे जो नामी ग्रामी स्कूल्स है, बड़े वाले स्कूल्स है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आखिर होता क्या है, तो इसमें आपके जो भाषा और वाक्य होते हैं ना उसको लिखवा कर बोल कर या लिखवाना शुरू करने वाली प्रक्रिया से शुरू करा जाता है। या फिर आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में क्या बोलते हो, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सीता है, तो उसी प्रकार की व्याख्या आपसे लिखवाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने उसी प्रकार से शुरू करा था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसी को क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिकता से क्रमबद्धता की ओर। नेक्स्ट और लास्ट है आपका स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो ये स्थानीय से वैश्विक की ओर क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्थानीय का मतलब होता है आपके आसपास का जो इलाका होता है, वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वहां से आपका किस प्रकार का अधिगम होता है उस प्रकार की चीजें। जैसे कि अभी आप ग्राम पंचायत पढ़ा रहे हो, तो ग्राम पंचायत क्या आपका आसपास के इलाकों में आपने देखा होगा, तो आपके आसपास के जो चीजें होती हैं उस प्रकार की चीजों से आपका ज्ञान का शुरू करना, और फिर वैश्विक, फिर आपके पूरे विश्व की ओर लेके जाना। जैसे कि आपके विश्व में कितने ब्रह्मांड है, या कितने गैलेक्सी है, या कितने तारे हैं, या हमारा सौर मंडल या आपका वायुमंडल या इस किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी ओर लेके जाना। ओके, तो स्थानीय से वैश्विक उसी को ही कहा जाता है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 प्रकार के आपके टीचिंग मैक्सिमम्स होते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपके यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता ना चले। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।